जी को जानते हैं? तो अभिजीत जी को जानते हैं? अभिजीत जी कौन? अभिजीत जी आपके स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया? गलत चयन हुआ हो ऐसा मुझे लगता है। ये लगता है शब्दों का गलत चयन है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही अगर आपको याद होगा यहाँ पर अशोक कोल जी द्वारा ये कहा गया था कि आतंकवादी शहीद हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता ये तो कार्य प्रणाली नहीं होगी है भारतीय जनता पार्टी की? पक्ष विरोधी कोई भी गतिविधि हो तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। अभिजीत जी के लिए क्या कहा गया? अभिजीत जी ने गलती की है तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि मेरे से गलती हुई, इस प्रकार की बात कह दे रही थी। यानी कि अब जो महबूबा मुफ्ती इस तरह की बात बोले कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो अब ये बोल दिया जाएगा कि भैया आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, आगे से ये नहीं होनी। देखिए हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो उन्होंने जिस प्रकार की वो बात की है वो देश विरोधी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में, मैं हूं रितेश शर्मा। इस समय सबसे बड़ी पार्टी इस समय उभर कर सामने आ रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। पर इस समय लोग इससे बहुत नाखुश हैं और कहीं ना कहीं लोग जो हैं डाइवर्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी। इस समय बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है, क्योंकि जिस तरह से वो सामने आ रही है ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ज्यादा वोट खींच जाएगी एज कंपेयर टू बीजेपी। पर अब बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है आज वो जानने की कोशिश करते हैं। कविंद्र गुप्ता जी मेरे साथ में मौजूद हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जनाधार बढ़ रहा है, लोग दिल्ली तक जा रहे हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप लेकर वापस आ रहे हैं। लग रहा है कि इस समय आहिस्ता आहिस्ता रुख जो लोगों का एक समय पे बीजेपी की तरफ बढ़ा था आज वो डाइवर्ट हो रहा है टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी। देखिए आप खुद देखिए वो कौन लोग हैं, उनके नाम लीजिए, वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक समुद्र है, यहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी में जो भी लोग गए वो आप भारतीय जनता पार्टी का एक भी चेहरा बताइए। भारतीय जनता पार्टी में लोग आते हैं ना कि जाते हैं, इसका फर्क उन पार्टियों को पड़ेगा जो जिनके अंदर अपनी लड़ाई है या जिससे लोग उब चुके हैं, तो उन पार्टियों को आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आप 50 के पार जाएंगे, पर वो कहते हैं कि भैया हम तो 80 के पार जाएंगे। आप तो पहले कह चुके कि आप 40 सीट हार जाएंगे। हमें जनता का सर्टिफिकेट चाहिए ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का। यानी कि आप मानते हैं कि इस बार 50 के पार जाएंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी देश में एक ही पार्टी है जो लगातार बढ़ रही है, और जिन स्टेटों में ये आम विचार होता था कि दोबारा यहाँ पर सरकार नहीं आएगी, दोबारा हम वहाँ पर सरकार बना रहे हैं। इस तरह के बहुत से पहले से उदाहरण हैं, तो जैसे गोवा देखिए आप, मणिपुर देखिए, उत्तराखंड देखिए, वहाँ पहले से बेहतर स्थिति में हम यहाँ पर आए हैं। और आज सभी पार्टियाँ बीजेपी वर्सेस आल, उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं हमारा आधार बड़ा है, हमारा कद बड़ा है, इसीलिए लोग सभी इकट्ठे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के। आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, उनका नाम राजेश गुप्ता है, उन्होंने ये कहा है कि हम 88 सीट्स जीतेंगे, सिर्फ 2 सीट्स हम भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ेंगे, और वो पुराने दिन याद कराएंगे कि आपकी 2 ही सीट्स हुआ करती थी इन पार्लियामेंट, आज जम्मू कश्मीर की वो आपकी हालत हो गई है। कोई व्यक्ति, मुझे लगता है किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, हम अपने कार्यकर्ता के आधार पर, अपने विचारधारा के आधार पर, अपने कार्य प्रणाली के आधार पर काम करते हैं जिसका हमें रिजल्ट मिलता है। तो कोई क्या कहता है, उनके कोई नेता तो को गधे पर चढ़ने की बात कहते हैं, चलो ये चीज़ें आने वाले वक्त में सब पता लगेगा। कार्य प्रणाली में भारतीय जनता पार्टी की पूछना चाहूंगी, कार्य प्रणाली क्या है, क्योंकि लगातार जब बात होती है हमेशा यही कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली बहुत सही है, यही उसी पर काम करते हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक काम करता है, लोगों की चिंता करता है, सरकारी स्कीमों को का लोगों को लाभ मिले उसके लिए प्रयास करता है। आज केंद्र सरकार की नीतियों के कारण से हमारे कार्यकर्ता को घर घर पहुंचने का मौका मिला है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाना हो, चाहे किसी की पेंशन्स लगवानी हो, चाहे ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनाने हो, गरीब अन्न कल्याण योजना हो। हम केवल सरकारी स्कीमें नहीं देखते, उनका लाभ लोगों को मिला या नहीं मिला, पिछला जो 15 मार्च से 31 मार्च तक का समय था, लोगों के घर जा जा करके बूथ पर जिनका इस प्रकार का किसी भी चीज़ को ऐसी सुविधा नहीं मिली है उसके लिए कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया। अब इस वक्त पखवाड़ा मनाया जा रहा है जिसमें हर दिन एक नया
काम होता है। आज गृहवन कल्याण योजना पर है, इससे पहले परसों हमारे लोग सभी अलग अलग स्कूलों में गए थे, जो SCs जहाँ पर पढ़ते हैं उनको सही वहाँ पर काम हो रहा है नहीं हो रहा। इसी तरह कल वैक्सीनेशन का हमारे कार्यकर्ताओं ने, ये केवल एक जगह पर दिखावे के लिए नहीं हो रहा है, हमारा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में इस वक्त घर घर जा करके काम कर रहा है और केंद्र की तरफ से ये निर्देश है, उसी निर्देश पर हम काम कर रहे हैं। क्या कार्यप्रणाली में ये भी कहा जाता है कि अफजल गुरु का कत्ल हुआ है? जी, वो जो मर्जी कहते रहें, इस प्रकार के जो आतंकी हैं उनका जो रहना जरूरी नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं होता, इसका ये कोई जात नहीं होती, जो देश विरोधी आदमी है उसका यही आश्रय होना चाहिए। नहीं, ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत दुजी द्वारा ये कहा गया है कि अफजल गुरु का कत्ल हुआ है, पर अफजल गुरु को तो फांसी हुई थी, तो जो फांसी हुई इसका मतलब वो गलत हुआ इसलिए उनका कत्ल हुआ है। देखिए, किसी ने क्या कहा उसका मुझे नहीं पता, नाम इसके बारे में पूरी जानकारी है। अभिजीत जी कौन? आपके स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया? हाँ, बिल्कुल है। उन्होंने ही ये बात कही। देखिए, सरकार ने उनको फांसी दी थी और उसके जो पूरा उसका कोर्ट का प्रोसेस चला था उसी धार पर उनको, शायद कोई शब्दों का उनकी गलत चयन हुआ हो ऐसा मुझे लगता है। ये लगता है शब्दों का गलत चयन है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही अगर आपको याद होगा यहाँ पर अशोक कोल जी द्वारा ये कहा गया था कि आतंकवादी शहीद हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता ये तो कार्यप्रणाली नहीं होगी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली जो हमारा कार्यकर्ता करता है, कहीं कहीं गलतियां भी होती हैं, उसमें शब्दों का चयन गलत होता है, लोग उसको गलत तरीके से भी ले सकते हैं मुझे लगता है। यही जब बातें अगर महबूबा मुफ्ती बोले, फारूक अब्दुल्ला बोले, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता सारे के सारे सड़कों पर होते हैं, अभी उनको अरेस्ट कीजिए, अभी उन्होंने गलत कहा है, उनको बाहर लेकर जाइए, उनको किसी भी तरह की धाराएं लगाइए, उनको अंदर करना चाहिए, इस तरह की बातें आती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें बोले तब क्या किया जाए? देश विरोधी कोई भी गतिविधि हो तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। अभिजीत जी के लिए क्या कहा गया? अभिजीत जी ने गलती की है तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि मेरे से गलती हुई, इस प्रकार की बात कह देनी चाहिए। यानी कि अब जो महबूबा मुफ्ती इस तरह की बात बोले कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो अब ये बोल दिया जाएगा कि भैया आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, आगे से ये नहीं होनी। देखिए, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो उन्होंने जिस प्रकार की वो बात की है वो देश विरोधी है। जो देश विरोधी बातें कहे उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो जनता उसको न्याय देगी या सरकार, ये न्यायपालिका उसको न्याय देगी, ये जनता भी समझती है और न्यायपालिका भी समझती है। अभिजीत जी को भी जनता समझेगी, जनता ही आगे से जवाब दे। कहीं उनके लफज गलत हुए तो उनको बोलना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मुंह से कहीं ऐसी निकली हुई बात उस पर मुझे लगता है अब राजनीतिक क्षेत्र में लोग हैं, अगर हमारे से कोई इस प्रकार की बात होती है तो कहने में कोई हर्ज नहीं होता। आपका जो कद है वो बहुत बड़ा कद है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप रहे हैं, स्पीकर आप रहे हैं, और ऐसा कद पार्टी में अगर हो तो बहुत बड़ी बात होती है। क्या आपके तरफ से कोई पक्ष लिया जाएगा कि देश विरोधी बातें आपने कही हैं, चाहे फिर वो अशोक कोल हो, चाहे फिर वो अभिजीत जसरोटिया हो, क्या उनके अगेंस्ट यहाँ पर FIR लॉन्च होगी? देखिए, मुझे इसके बारे में ना तो जानकारी है, अगर कोई होगी तो इसका संज्ञान खुद पार्टी लेगी, उनकी नॉलेज में हो ऐसी कोई बात। आजकल UAPA बड़ा आम हो गया है, इवन जर्नलिस्ट पर भी लग रहा है, तो क्या उन पर भी लगेगा जो इस तरह की बातें कहते हैं? देखिए, अगर चीजें होंगी तो इस पे सामने वो सब देख रहे हैं, हर चीज को लोग नोट करते हैं, क्या गतिविधियां लोगों की तरफ से होती हैं, क्या पॉलिटिकल लोगों की तरफ से, इसके लिए सरकार ने वो पहले से एजेंसीज बना के रखी है, वही इसको चेक करेगी। यानी कि ऑपोजिशन कुछ भी बोले तो हम जवाब देंगे, पर हमारी पार्टी का अगर कोई कुछ बोले हम कोई जवाब नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हम हर चीज का बेबाक होकर के जवाब देते हैं। तो अभिजीत जी को किस तरह का जवाब दिया जाएगा, अशोक कोल जी को किस तरह का जवाब? पढ़ने के बाद मैं सभी चीजें देखूंगा, उसके बाद मुझे अभी इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं। इतना किसी को भी नहीं पता है कि इस समय मतलब भारतीय जनता पार्टी में लगभग 3 दिनों से वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या 3 दिनों तक किसी को भी पता नहीं चला कि यहाँ पर यह हालत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश विरोधी बातें कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी देश विरोधी नहीं होता, ये हमें कार्यकर्ता पर भी विश्वास है। अभिजीत जी समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, अशोक कोल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? ऐसा नहीं, अगर गलती कहीं शब्दों में चयन में हुई है तो वो खुद देखेंगे, अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी जानकारी नहीं है, पर जानकारी मिलने के बाद, अच्छा अगर आपको जानकारी मिल जाए और जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, तो किस तरह का कार्यवाही जो है वो आपकी तरफ से की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी? देखिए, कोई भी बात पर संगठन उस पर मिल बैठ करके बात करता है, मैं किसी संगठन में किसी पद पर नहीं। तो
तो आप बोल सकते हैं, बट क्योंकि स्पीकर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़ा कद है आपका। मैं ये बात किसी अधिकारी की जानकारी में लाऊंगा, जो एक सिस्टम है पार्टी का उसी आधार पर यहाँ पर काम होता है। अशोक कोल जी पर भी होगा? देखिए मुझे जिसके बारे में, मैं कैसे कह सकता हूँ, अशोक कोल जी का कद इतना बड़ा है, अगर उनसे कोई ऐसी बात निकली है वो खुद ही कह देंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, जो अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही उभर कर सामने आएगी जैसे पिछली बार आई थी। इस बात को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं कविंद्र गुप्ता। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश विरोधी बातें कहने पर, UAPA जैसी धाराएं लग जाती हैं, देश विरोधी बातें करने पर अगर जेल होती है, तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उन पर इस तरह की धाराएं क्यों नहीं, उन पर इस तरह की कार्यवाही क्यों नहीं। अभी कविंद्र गुप्ता जी द्वारा ये बात जरूर कही गई है कि हम किसी इस समय पद पर नहीं है, तो ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, जो लोग पद पर हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम चेहरा और कोई नहीं अशोक कोल जी हैं, जिन्होंने पिछली बार ये कहा था कि आतंकवादी शहीद हुए, उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, काफी देर हो गई है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अभिजीत जी द्वारा जो बातचीत की गई है, जिसमें यह कहा गया है अफजल गुरु का कत्ल हुआ है, तो क्या इस पर भी कार्रवाई होगी, इस पर भी कोई बातचीत होगी? अगर नहीं हुई तो भी परेशानी है, अगर हुई तभी परेशानी है। क्योंकि अगर बात यह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक वो ऐसी पार्टी है जो हमेशा ही तिरंगा झंडा लेकर जो है सड़कों पर उतर जाती है, अगर कोई भी गलत चीज बोलता हुआ नजर आता है। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां पर कुछ बोला गया हो और अभी तक तिरंगा लेकर कोई भी सड़कों पर नहीं उतरा है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।